बिस्मिल्लाह रहीम हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एरिया बिटवीन द फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एंड द फंक्शन वाई इज इक्वल टू जी एक्स इससे पहले जो हमने टॉपिक देखा था या जो हमने एरिया uh, कैलकुलेट किया था वो बेसिकली बिटवीन अ फंक्शन एंड एक्स एक्सिस था ठीक है यानी कि कुछ इस तरीके का वो फंक्शन था हमारे पास या हमने इस तरीके के फंक्शन का हमने एरिया कैलकुलेट किया था तो ये हमारे पास ए हो गया और ये बी हो गया ये हमारे पास एरिया था ठीक है ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस तो इसमें हमारे पास ये जो था ये बेसिकली एफ एक्स था ठीक है वाई इज इक्वल टू एफ एक्स ये हमारे पास फंक्शन का कर्व मौजूद था तो इस कर्व और इस एक्स एक्सिस के नीचे यानी कि एरिया अंडर द कर्व जो हमारे पास एरिया था वो ए एक्स था और इसको हमने कैलकुलेट किया था या देखा था ठीक है अच्छा इनफैक्ट डिस्कस किया था हमने कैलकुलेशन तो नहीं करी थी वो काफी आसान है आप इंटर में करते हुए आए तो उसकी जरूरत नहीं थी खैर एनीवेज अब हमारे पास अगर सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो कि एरिया जो है वो बाउंड हो किससे दो डिफरेंट फंक्शन से यानी कि वाईज इक्वल टू एफ एक्स से और वाइज इक्वल टू जी एक्स से अगर बाउंड हो टॉप और बॉटम पे ठीक है दिस इज आवर टॉप फंक्शन एंड दिस इज बॉटम फंक्शन ठीक है या फिर ये टॉप बाउंड भी कहलाता है और ये बॉटम बाउंड कहलाएगा ठीक है इसी तरह साइड बाउंड्रीज भी होती है यानी कि साइड बाउंड यहाँ पर जो साइड बाउंड है वो बेसिकली इंटरसेक्शन है और ये एक्स इज ए पे मौजूद है और जो यानी कि ये लेफ्ट बाउंड हो गया ठीक है और जो राइट right बाउंड है ये बी है ठीक है इसको हम कह सकते हैं कि एक्स इज इक्वल्स टू इसका राइट right बाउंड हो गया आर आई राइट बाउंड ठीक है इसी तरीके से यहाँ पर जो हमारे पास दूसरा आप ग्राफ देख रहे हैं या एरिया देख रहे हैं वो अगेन हमारे पास जो टॉप बाउंड है वो वाइज इक्व टू एफ एक्स एक फंक्शन है बॉटम बाउंड वाइज ईक्व टू जी एक्स है और जो यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्शंस मौजूद हैं यानी कि जो लेफ़्ट और राइट बाउंड है वो बेसिकली इन दोनों कर्व्स का इंटरसेक्शन है ठीक है इसमें एक बात तो तय है कि अगर हम इस पॉइंट की वैल्यू मालूम करना चाहें तो ये क्या होगा ए कॉमा समथिंग वाई होगा ठीक है मुझे हमें नहीं पता कि यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या है उसको मन क्या दें वाई वन तो ये ए कॉमा वाई वन हो जाएगा इसी तरह राइट साइड पे भी कुछ ना कुछ वाई की वैल्यू होगी तो इसको अगर हम वाई टू कह लें तो यहाँ जो कॉर्डिनेट बनेगा वो बन जाएगा वाई कॉमा बी कॉमा वाई टू सॉरी ये स्क्वायर लिख दिया मैंने वाई टू ठीक है जी तो इस तरह से ये टॉप बाउंड हमारे पास फंक्शन वाइज इक्व एफ हो गया बॉटम बाउंड हो गया वाईज इक्वल टू जी एक्स लेफ्ट बाउंड हो गया जो कि बेसिकली इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन है और वो क्या है ए कॉमा वाई वन और जो राइट बाउंड हो गया वो हो गया बी कॉमा वाई टू ओके अच्छा जी चलें अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं एंड दिस इज अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल इनफैक्ट काफी काफ़ी ईजी है ये दिस इज एग्जाम्पल नंबर वन फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंड अब एक्स प्लस ठीक है आपने क्या करना है एरिया ऑफ द रीजन कैलकुलेट करना है या फाइंड करना है जो कि बाउंड हो किससे y इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स से ठीक है एंड बाउंडेड बिलो x स्क्वायर ठीक है तो हमें टॉप बाउंड और बॉटम बाउंड दोनों दे दिया है जो अबव यानी कि जो टॉप बाउंड का जो हमारे पास फंक्शन है वो y इज इक्वल सिक्स है और जो बॉटम बाउंड है वो y वाईजर है एंड बाउंडेड ऑन दी साइड बाई लाइन्स एक्स इज इक्वल टू जीरो साइड में हमारे पास जो बाउंड्रीज हैं उनका भी हमें फंक्शन गिवन है x इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू टू यानी कि बाउंड्रीज ग ओके okay. तो ये हमें टॉप बाउंड बॉटम बाउंड लेफ्ट और राइट बाउंड दोनों के बहन है ओके okay. यहाँ आप देख रहे हैं इस एरिया का ग्राफ बेसिकली ठीक है तो ग्राफ आपको एग्जाम में खुद तो नहीं बनाना होगा ग्राफ आपको दिया जाएगा ठीक है तो यहाँ आप देख रहे हैं हमारे पास जो टॉप बाउंड है वो वाईज टू क्या है x प्लस सिक्स है और जो बॉटम बाउंड हमारे पास करवा है वो क्या है y क्वेश्चन like ठीक है और जो राइट right बाउंड आप देख रहे हैं वो क्या है x इज इक्वल टू अगर आप बाउंड right हो गया देखिए थ्रू आउट दिस लाइन x की वैल्यू क्या होगी टू होगी सकते लेफ्ट बाउंड क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू जीरो है तो देखेंगे x एक्स इक्वल टू जीरो हो गया है इसका लेफ्ट बाउंड ओके अच्छा जी तो हमें वो एरिया कैलकुलेट करना है जो कि ये इनक्लोज कर रहा है यानी कि पूरा पूरा हमें एरिया कैलकुलेट करना है ठीक है कितना एरिया होगा सो इट्स वेरी सिंपल ठीक है हमें बेसिकली करना क्या होगा हमारे पास दो वाई हैं, ठीक है ये अपर वाला वाई है और ये बॉटम वाला वाई है तो हम करते क्या हैं? हम टॉप वाले फंक्शन में से बॉटम वाले फंक्शन को माइनस कर देते हैं ठीक है यानी कि हम क्या करेंगे टॉप फंक्शन क्या है वाई इज इक्वल टू एक्सप्ल सिक्स है तो हम क्या लिखेंगे हम लिखेंगे एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल ठीक है ये हो जाएगा x प्लस सिक्स यानी के टॉप फंक्शन हो गया माइनस बॉटम फंक्शन यानी के एक्स स्क्वायर ठीक है और चूंकि क्या कहते हैं हमारे पास जो वेरिएबल है वो कौन सा है x है तो इसीलिए यहां पर क्या आ जाएगा dx आ जाएगा ठीक है जी तो ये जब हम इसको माइनस करेंगे तो यानी कि टॉप फंक्शन में से बॉटम फंक्शन को तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा इन दोनों का यानी कि हमें बीच का पोर्शन मिल जाएगा ठीक है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पोर्शन मिल जाएगा फॉर ईच रिस्पेक्टिव एक्स अब मसला क्या रह जाएगा लिमिट का ठीक तो है तो खैर यहाँ पर एक्सप्रेशन वही सेम लिखी हुई है एक्स प्लस सिक्स माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ठीक है और लिमिट क्या होगी लिमिट हमेशा राइट और लेफ्ट बाउंड्री हम लगाते हैं आमतौर पर ठीक है तो यहाँ पे जो राइट बाउंड है हमारे पास वो क्या एक्स इक्व टू टू है और बॉटम बाउंड लेफ्ट बाउंड क्या है एक्स इक्व टू जीरो है तो इसमें दोनों से में से बड़ी वैल्यू कौन सी है टू छोटी वैल्यू जीरो है इसका मतलब हम जो अपर लिमिट है वो टू लगा देंगे छोटी यानी कि बॉटम लिमिट जीरो लगा देंगे ठीक है जी अब बहुत सिंपल हो गया हमें इसको सॉल्व करना सिर्फ इंटीग्रेट ही करना है तो खैर अब मैं इंटीग्रेट करना तो आपको नहीं बताऊंगा ये तो बहुत आसान सा है जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या थर्टी फोर अपॉन थ्री जवाब आ जाएगा ठीक है दिस दिस इज़ द एरिया ऑफ बाउंडेड रीजन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन दैट इज इनक्लोज बिटवीन द कर्व्स करवल्स टू एक्स स्क्वाई प्लस सिक्स ठीक है जी अब हमें एरिया ऑफ द रीजन कैलकुलेट करना है जो कि इनक्लोज हो किसके दरमियान y इज इक्व एक्स स्क्वायर और y इज इक्वल टू एक्स प्लस ये हमें ग्राफ के बहन है इसका ठीक है जी तो इसमें अगर आप देखें तो हमारे पास जो कर्व्स हैं ठीक है वो ऊपर वाला कर्व आप देख रहे हैं ये लीनियर लाइन है यानी कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स का ये कर्व है और जो बॉटम हमारे पास कर्व है यानी कि ये वाला कर्व ठीक है काइंड ऑफ पैराबोला तो ये किसके बराबर है वाई एक्स स्क्वायर के बराबर है ठीक है जी तो ये हमारे पास टॉप बाउंड और बॉटम बाउंड हो गया अब रहा सवाल लिमिट का तो लिमिट आप देख लें ये हमारे पास एक्स एक्सिस लेफ्ट पे है और ये एक्स एक्सिस राइट पे है ठीक है जहां पे ये बाउंड्रीज हैं इसकी और जो इनक्लोज रीजन है वो हमारा इसके दरमियान में आ रहा है ठीक है जी तो चलें खैर चलें मैं यहाँ बता भी तुमने कही क्या है माइनस टू है ये और ये क्या है ये थ्री है ओके तो यहाँ लेके आए तो ये थ्री बनेगा तो ये हमारे पास लेफ्ट बाउंड और राइट बाउंड आ गया माइनस टू और थ्री ठीक है टॉप हमारे पास बाउंड y इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स और बॉटम बाउंड क्या हो गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हमें एरिया कैलकुलेट करना है ठीक है तो वही सेम टेक्निक जो है आ, हम इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अगर आप आ, क्या कहते हैं देखें ये जो हमने राइट right और लेफ्ट बाउंड निकाला है यानी कि माइनस टू और थ्री ये तो हमें दिख रहा था तो हमने कर दिया लेकिन क्या पता ये एग्जैक्ट ना हो ठीक है तो एग्जैक्ट जो बाउंड्रीज हैं लेफ्ट और राइट वो हम कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स ठीक है तो अब देखें ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए लेकिन खैर मैं यहाँ पे कर देता हूँ वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सिक्स है और ये क्या वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है तो हम क्या करते हैं यहाँ से एक्स स्क्वायर को मैं पुट कर देता हूँ इसमें ठीक है यानी कि सब्सटीट्यूट कर रहा हूं तो ये x प्लस सिक्स तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस टू जीरो हो जाएगा ठीक है जी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो तो अब हमें क्या करना होगा हमें सिंपली तो इसको आ, ओके हम इसको ऐसा क्या करते हैं देखें सिक्स वन हजार सिक्स होता है तो हमें ओके सिक्स ही बनाना पड़ेगा तो ये बनेगा जनाब एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टू एक्स सॉरी प्लस टू एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इसको हम अरेंज कर लेते हैं तो ये एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो यहाँ से हम एक्स कॉमन निकाल लेंगे तो ये एक्स प्लस टू माइनस यहाँ से हम थ्री कॉमन निकाल लेंगे तो ये एक्स प्लस टू इज इक्वल टू ज़ीरो ठीक है और ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री और एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो और माइनस टू ठीक है जी तो आप देख लें यहाँ कोऑर्डिनेट भी लिखे हुए हैं लेकिन लाजमी नहीं आपको फिगर में कोऑर्डिनेट गिवन हो तो हमने बेसिकली क्या निकाला हमने इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिया तो ये हमने अभी एक्स की वैल्यू मालूम करी है हम चाहें तो इस एक्स की वैल्यूज को हम इक्वेशन में पुट करके हम वाई भी निकाल लें तो हमें कॉर्डिनेट मिल जाएगा ठीक है तो अगर हम ये जो वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस सिक्स है तो ये वाई इज इक्वल्स टू पहले थ्री प्लस सिक्स कर देंगे तो यह आ जाएगा नाइन ठीक है पहले से और दूसरा जब हम माइनस टू पुट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू आ जाएगा फोर ठीक है तो देखें ये नाइन और ये फोर भी मौजूद है तो इस तरीके से जो है हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लेंगे यानी कि लेफ्ट बाउंड और राइट right बाउंड निकाल लेंगे तो देख लें यहां पे वही काम किया हुआ है दोनों को इक्वेट करके यहां पर फैक्टर बनाया गया फैक्टर के जरिए फिर क्या निकाला गया एक्स इज इक्वल टू माइनस टू और एक्स इज इक्वल टू थ्री फाइंड कर लिया ये जो है इसका लेफ्ट बाउंड और राइट right बाउंड हो गया ठीक है जी लेकिन खैर हमें वाई निकालने की जरूरत है नहीं क्योंकि हमें तो चाहिए लेफ्ट और राइट right तो उसके लिए एक्स ही काफी है सिर्फ तो अब देखें वही सेम प्रोसीजर जो कि हमने पिछले क्वेश्चन में फॉलो किया था कि हम अपर जो बाउंड था उसके कर्व से माइनस कर देते हैं लोअर कर्व की इक्वेशन को तो एक्स प्लस सिक्स ऊपर था नीचे एक्स स्क्वायर था तो हमने इसको माइनस कर दिया ठीक है और जो लिमिट अप्लाई किया वो राइट right बाउंड और लेफ्ट बाउंड यूज कर लिया अब इसको हमने इंटीग्रेट किया आगे तो जवाब कितना आ गया वन ट्वेंटी फाइव ओवर सिक्स आ गया ठीक है भाई तो इस तरीके से जो है हम इसको सॉल्व कर सकते हैं इसके अलावा एक और तरीका भी पॉसिबल है वो क्या है कि हम अब जो वेरिएबल यानी कि जो इक्वेशन हम इसकी बनाए चलें खैर छोड़ें मैं वो डिस्कस नहीं करता आप कन्फ्यूज हो जाएंगे तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं अच्छा जी एग्जांपल नंबर फोर है हमारे पास फाइंड द रीजन इनक्लोज बाई एक्स माइनस टू ठीक है तो ये हमें दो कर्व दिए हुए हैं ये दो कर्व जो एरिया इनक्लोज कर रहे हैं वो हमें कैलकुलेट करना है तो यहाँ हमें नीचे दो फिगर्स के वहां पर तो ये जो ब्लू वाला जो कर्व आप देख रहे हैं दिस कर्व इज बेसिकली मेड फ्रॉम द क्वेशन एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर मीन पहली वाली एक्सप्रेशन का ये वाला करवाचे अच्छा वाला जो आप मजंटा कलर का आप देख रहे हैं अच्छा अब आ, मसला क्या है इसमें मसला ये है यहां पर के यहाँ जो हमारा लेफ्ट पाउंड और राइट right बाउंड है ना वो इशू है देखें यहाँ पर जो इंटरेक्स इंटरसेक्शन पॉइंट है वो बेसिकली कहाँ आ रहा है वो आ, क्या कहते हैं यानी कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट और ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट राइट इंटरसेक्शन पॉइंट तो ठीक है ठीक है क्योंकि ये जो है इनकलोज कर रहा है कर्व जो है यानी कि जो इंक्लोज एरिया है ना ठीक है यानी कि जो शेडेड रीजन है वो इसके अंदर की तरफ आ रहा है ठीक है पहले इंटरसेक्शन पॉइंट के अंदर और जो दूसरा वाला जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ठीक है इसमें अगर हम देखें तो जो इसका लेफ्ट बाउंड बनेगा वो ये वर्टिकल लाइन बननी चाहिए इस वर्टिकल लाइन के अंदर यानी कि अगर हम ये वाली एक्सप्रेशन इस्तेमाल करते हैं ठीक है टॉप वाली और बॉटम लाइन की इक्वेशन ठीक है तो ये हमारा लेफ्ट बाउंड हो जाएगा और ये राइट right बाउंड हो जाएगा नॉर्मल तरीके से अगर हम करते हैं पीछे जो हमने किया था क्वेश्चन वहाँ पे भी ऐसा ही था देखें ये हमारे पास लेफ्ट बाउंड हो गया था और ये क्या हो गया राइट right बाउंड हो गया इसके दरम्यान में ये हमारे पास बॉटम कर्व है और ये हमारे पास टॉप कर्व है तो अगर बॉटम और टॉप कर्व जो है वो राइट right और लेफ्ट बाउंड के दरम्यान में आ रहा हो तब हम इसको सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं यानी कि एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं लेकिन अगर ये लेफ्ट और राइट right बाउंड के बाहर एरिया जा रहा हो जैसा कि हमारे पास इस वाले केस में है कि यहाँ पर जो हमारे पास इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये वाला था ठीक है ये आप देख रहे हैं ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है तो ये इसका क्या हो जाएगा लेफ्ट बाउंड हो जाएगा वर्टिकल लाइन और ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट था तो इसका क्या हो जाएगा राइट बाउंड हो जाएगा सही अब इसके दरमियान में जो एरिया बनेगा वो बेसिकली टॉप कर्व और बॉटम कर्व से मिलकर बनेगा लेकिन कुछ एरिया जो है वो लेफ्ट और राइट जो लेफ्ट बाउंड है इससे बाहर भी जा रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ अब हम जो नॉर्मल तरीके से जो एरिया कैलकुलेट करेंगे वो एरिया बेसिकली कौन सा होगा वो एरिया ए टू होगा ठीक है हमें एरिया ए वन अलग मालूम करना होगा और फिर उसको ऐड करना होगा समझ आई बात क्योंकि देखें अब यहाँ पर जो लेफ्ट बाउंड बन रहा है वो दो लेफ्ट बाउंड बन रहे हैं या फिर हमारे पास दो रीजन बन रहे हैं ठीक है एक रीजन जो कि इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट की वजह से बन रहा है ठीक है इन दोनों की वजह से और एक रीजन जो के लेफ्ट बाउंड से पीछे की तरफ मौजूद है ठीक है लेफ्ट हैंड पे मौजूद है और ये कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है ये एक्सटेंड हुआ है यहां से लेकर के एक्स की वैल्यू जीरो तक तो, यानी कि यहां तक एक्सटेंड हुआ है ठीक है जी तो ये मसला है अच्छा अब इसमें भी अगर आप गौर करो तो देखें हमारे पास जो मेन एक्सप्रेशन थी वो क्या थी x एक्स इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अच्छा अब ये जो एक्स एज इक्वल टू वाई स्क्वायर है ये रिवर्स इक्वेशन लिखी हुई है एक तरीके से कहने का मतलब क्या है कि हम लिखते हैं आमतौर पे y इज इक्वल टू अंडर रूट x या चले मैं ऐसे नहीं कहता हूं मैं कह देता हूँ y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है ठीक है लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है तो ये तो जाहिर सी बात है गलत हो जाएगा तो हमें इसको क्या करना होगा हमें इसको y की फॉर्म में लेने लेके आना होगा तो ये क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स हो जाएगा ठीक है तो जैसा हमने पहले देखा था कि कि ये जो प्लस है यानी दो होंगे ना ये एक अंडर रूट एक्स हो जाएगा और एक माइनस अंडर रूट एक्स होगा तो यहाँ आप देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है यानी कि ये ऊपर वाला इस कर्व का ये वाला पोर्शन जो कि पॉजिटिव वाई पे मौजूद हुआ है ठीक है देखें ये वाई इज इक्वस टू होगा ना तो ये रूट एक्स जो कि पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब वो वाई क्या है पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव साइड पर जो है ये वाला कर्व दिस इज ठीक है ये जो कर्व आप देख रहे हैं ऊपर ये क्या y x है वाई इज इक्वल टू प्लस रूट एक्स है ठीक है क्योंकि यहाँ पे वाई की वैल्यू क्या होगी प्लस होगी सारी की सारी प्लस होंगी ठीक है भाई इसी तरह जो इसका नीचे वाला जो पोर्शन है यानी कि ये पोर्शन ये क्या हो जाएगा ये वाईज टू माइनस रूट एक्स बिकॉज यहाँ पर तमाम के तमाम वाई की वैल्यू क्या होंगी माइनस होंगी फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ ठीक है तो इसका मतलब अब यहाँ पर हमारे पास जो टॉप कर्व हो जाएगा वो हो जाएगा यानी कि टॉप बाउंड वो वाईज टू रूट एक्स होगा और जो बॉटम बाउंड होगा वो क्या होगा वाई इज इक्वल टू माइनस रूट एक्स ठीक है दिस इज वाईज इक्वल्स टू माइनस रूट एक्स और राइट right बाउंड हमारे पास ये लाइन हो जाएगी लेफ्ट बाउंड हमारे पास ये वाली लाइन हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर जो राइट right बाउंड है वो हमारे पास x इज इक्वल टू वन है और जो लेफ्ट बाउंड है वो x इज इक्वल टू जीरो है समझ आ गई बात तो अब अगर हम गौर करें ठीक है अपने क्वेश्चन को तो वो कुछ इस तरह से हो गया है कि हमारे पास अब इसके दो एरियाज बन जाएंगे क्यों बनेंगे मैंने आपको समझा दिया है ठीक है एक तो ये एरिया और एक ये वाला एरिया तो पहला एरिया जो है जो के ब्राउन है इसको हमने A1 का नाम दे दिया और जो ब्लू है इसको हमने A2 का नाम दे दिया यहाँ जो हमारे पास टॉप बाउंड है वो y is equal to under root x है और जो बॉटम बाउंड है वो y is equal to x minus 2 है ठीक है राइटिंग ठीक नहीं हो रही है एनीवेज और इसी तरह यहाँ पर अगेन दिस इज द कंटिन्यूएशन ऑफ दिस लाइन और पॉजिटिव साइड पे तो ये और नीचे जो हमारा पोर्शन है वो क्या है ठीक है इस वाली लाइन का तो ये दो कम्बिनेशन हो जाएंगे सही मैं इसको यहां पे भी दिखा सकता हूं आपको ये ऐसे ये वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स ठीक है और यहाँ पर y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू तो हमें ये वाला रीजन मिल जाएगा ठीक है और इसमें जो हमारे पास लेफ्ट बाउंड है वो क्या है वन है एक्स इज इक्वल टू वो राइट बाउंड है वो क्या है एक्स इज इक्वल टू फोर है ठीक है अब ये हिस्सा जो है ये खाली है तो इसमें हमारे पास एक लाइन ऊपर है और एक लाइन नीचे है ठीक है तो वो लाइन जो कि ऊपर है वो क्या है y इज इक्वल टू अंडर रूट x और वो लाइन जो x एक्सिस के नीचे है यानी कि नेगेटिव y पे वो क्या है y इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस लेफ्ट बाउंड इसका जीरो है राउट बाउंड इसका अगेन वन है ओके okay? तो हम इसको दो हिस्सों में कैलकुलेट करेंगे चलें खैर ये हो गया ये सारी इसी की एक्सप्लेनेशन पूरी गिवन है ठीक है दिस ऑल इज द एक्सप्लेनेशन तो अब मैं इसको समझाऊंगा नहीं कोई फायदा नहीं है समझाने का हम डायरेक्टली सॉल्यूशन पे आ जाते हैं तो पहले जो है ए वन मालूम किया गया है ठीक है ए वन ए वन यानी कि ब्राउन वाला रीजन तो इसका मतलब यहाँ पे इसकी जो लिमिट्स हो जाएंगी वो क्या हो जाएगी जीरो से लेकर के वन तक हो जाएगी इसकी लिमिट ओके तो ये इसकी ज़ीरो से लेकर के वन तक इसकी लिमिट हो गई अच्छा जी फिर हमारे पास टॉप जो बाउंड है वो क्या वाइज इक्व रूट एक्स तो ये रूट एक्स आ गया

बाउंड है यानी कि जो टॉप फंक्शन है वो वाईज एक्स है और जो बॉटम फंक्शन है वाईजिक्वल टू एक्स माइनस टू है तो इसीलिए रूट uh, एक्स में से माइनस कर दिया माइनस माइनस uh, कर दिया एक्स माइनस टू को ठीक है और जो बाउंड्री है इसकी हमारे पास लेफ्ट बाउंड और राइट right बाउंड वो क्या है हमारे पास राइट बाउंड फोर है यानी कि अपर लिमिट तो ये फोर आ गई लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे वन है ठीक है तो ये क्या आ गया वन आ गया ओके okay? अच्छा जी तो इसमें से इसको माइनस कर दिया और फिर इसको हमने इंटीग्रेट किया इंटीग्रेट करेंगे तो हमें नाइनटीन अपॉइंट सिक्स मिल गया तो सिंपल हमें एंड में क्या करना है इस रीजन को इस एरिया को प्लस दिस एरिया दोनों को हम आपस में एड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा देखें फोर अपॉइंट थ्री प्लस नाइनटीन अपॉइंट सिक्स ए वन प्लस ए टू तो इन्हें आ गया नाइन अपॉइंट टू नाइन अपॉइंट टू इज़ आवर आंसर अच्छा जी अब अगर यहाँ पे आपको यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना पता हो तो आप सिंपल वही साइमल्टेनियसली इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पे ये यह वन और फोर मिल जाएगा ठीक है लेकिन साथ में हमें नज़र भी आ रहा है कि ये क्या है एक्स इज इक्वल टू जीरो पे ये वाला फंक्शन जो है वो वाई की वैल्यू क्या हो रही है जीरो हो रही है ठीक है तो आई थिंक अब आप लोग इसको समझ गया होगे और उसको फिर आप कर भी लोगे नेक्स्ट अगेन डबल इंटीग्रल ठीक है ये हमने पहले भी देख लिया है लेकिन अब फर्क क्या है पहले हमने लिमिट्स अप्लाई किए थे नॉर्मल लिमिट ठीक है लेकिन अब क्या है यहाँ पर यहाँ जो फंक्शन आप देख रहे हो ठीक है इस फंक्शन में जो हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं वो लिमिट बेसिकली इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन है ठीक है लिमिट खुद क्या है फंक्शन है सही है तो हम जब एक्स को रिप्लेस करेंगे तो वो किसी फंक्शन से रिप्लेस करेंगे हम जब वाई को रिप्लेस करेंगे जब हम लिमिट अप्लाई कर रहे होंगे तो फिर हम किसी फंक्शन से उसको रिप्लेस करेंगे ठीक है उसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये क्या डबल इंटीग्रल्स ओवर नॉन रेक्टेंगुलर रीजन ठीक है यानी कि जो ऐसे रीजन जो कि नॉन रेक्टेंगुलर हो तो उस पर अगर हम डबल इंटीग्रल अप्लाई करेंगे तो क्या तो कैसे जाहिर सी बात है जब अगर वो नॉन रेक्टेंगुलर होंगे तो उसका फंक्शन कुछ ना कुछ एक्स वाई की फॉर्म में होगा और जो उसकी बाउंड्रीज होंगी वो भी फिर कोई फंक्शन होंगी वो सिंपल स्ट्रेट लाइंस नहीं होंगी तो इसीलिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको फंक्शंस के वेने ज्यादा तो ये हमारे पास वाइज इक्वल्स टू जी टू एक्स है ठीक है टॉप बाउंड और जो वाइज इक्वल्स टू जी है हमारे पास बॉटम बाउंड और जो लेफ्ट और राइट right पे हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है ए और बी यानी कि टू ए और एक्स इज है अच्छा जी और जो बीच में आप एरिया देख रहे हो दिस गुड बी फंक्शन एक्स कॉमा वाई ठीक है ओके इसी तरह जिस तरह से यहाँ पे आपने y इज इक्वल टू यानी कि हमने इसको विद रेस्पेक्ट टू क्या कहते हैं y इज इक्वल टू जी एक्स की फॉर्म में देखा है तो ये भी तो पॉसिबल है कि इक्वेशन जो है वो x की हो यानी कि x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ y ये भी पॉसिबल है हम क्या लिखते आए हैं कभी y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखते हैं ये भी तो पॉसिबल है कि x इज इक्वल टू एफ ऑफ y आप लिख दो यानी कि अब इसको आप विद रिस्पेक्ट टू वाई देखो ठीक है तो इसीलिए आप यहां पर देख रहे हैं कि अब जो हमारे पास फंक्शन ड्रॉ हुआ हुआ है वो देखें वो लेफ्ट और राइट right बाउंड जो है वो क्या है फंक्शन मौजूद है यहां पे क्या था स्ट्रेट लाइन थी ठीक है ना यानी कि एक वैल्यू थी हमारे पास एक्स की लेकिन अब यहां पर क्या है यहाँ पे राइट right और लेफ्ट जो है हमारे पास अब वो फिक्स वैल्यूज नहीं है एक्स की वो क्या है वो बेसिकली फंक्शन है वाई का ठीक है यहाँ पर भी हमारे पास जो एक्स इज इक्वल्स टू ए था ना ये भी फंक्शन था वाई का लेकिन चूंकि ये स्ट्रेट लाइन थी इसीलिए हमने इसको डायरेक्टली ए लिख दिया था अब इस केस में क्या होगा हमारे पास टॉप और बॉटम जो बाउंड है वो कॉन्स्टेंट है यानी कि डी और सी तो आप इसको ये भी कह सकते हो कि जो टॉप और बॉटम हमारे पास क्या है वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड दिस एफ ऑफ एक्स इज इज इक्वल टू डी इसी तरीके से y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और दिस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी ठीक है ये अब जो लेफ्ट और राइट right हमारे पास है ये क्या है बेसिकली ये x का फंक्शन है x इज इक्वल टू एफ ऑफ y या यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए क्या लिखा हुआ है x इज इक्वल टू एच वन वाई इस तरह यहाँ पे क्या है राइट साइड पे एच इजल्स एक्स इज इक्वल टू एच टू वाई ठीक है तो इस तरह से हमने इसकी बाउंड्रीज डिफाइन करी है तो ये टाइप वन और टाइप टू रीजन हो जाएंगे ठीक है लिखा हुआ है टाइप वन रीजन और टाइप टू रीजन लेकिन सॉल्यूशन जो है वो एक ही तरीके से होता है सिर्फ वेरेबल जो है वो शफल हो जाते हैं आप ये समझ लीजिए ठीक है तो जी हम फिर एक एग्जाम्पल करते हैं इंटीग्रल वन कॉमस वन जीरो जो सेकेंड इंटीग्रल है वो है एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स ठीक है अच्छा जी और फिर आगे जो फंक्शन केवेन है हमें वो क्या किबेन है वाई स्क्वायर एक्स के है और आगे dy डी एक्स है ये बेसिकली क्या है ये बेसिकली रिलेटेड है इस वाले ग्राफ से इस ग्राफ में अगर आप और करें तो हमारे पास जो लेफ्ट बाउंड है वो क्या है जीरो और जो राइट right बाउंड है वो क्या है वन ओके अपर बाउंड जो है हमारे पास वो क्या है इक्वल टू एक्स स्क्वायर लोअर बाउंड जो है वो वाइज इक्व टू माइनस एक्स है ठीक है अब फर्स्ट कर लीजिए कोई भी फंक्शन था वो क्या कर रहा है वो एक एरिया बना रहा है एक बहुत बड़ा सा एरिया बना रहा है जो कि अनलिमिटेड है ठीक है कोई एक शेप होगी जिससे एरिया फॉर्म हो रहा होगा अब हम क्या करते हैं हम उस फंक्शन को जो कि एरिया फॉर्म कर रहा था ठीक है उसको हम बाउंड करते हैं किससे लेफ्ट बाउंड राइट बाउंड आप इसको चलें ऐसा समझ लीजिए कि ये हमारे पास एक फंक्शन है कोई जो कि एरिया फॉर्म कर रहा है ठीक है ये क्या है वाई इज इक्वल टू सॉरी वाई स्क्वायर एक्स है ये ठीक है दिस इज द फंक्शन यानी कि इसको आप कह सकते हैं जेड इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एक्स ठीक है अच्छा अब इसको हम क्या कर रहे हैं यानी कि ये हाइट होगी एक तरीके से ठीक है तो इसको हम क्या कर रहे हैं बाउंड कर रहे हैं ठीक है ये बहुत बड़ा सा एरिया है हम इसमें वाई की वैल्यू चेंज करते रहेंगे इसके लिए चेंज करते रहेंगे और हमें जेड की वैल्यू मिलती रहेगी बहुत सारी डिफरेंट हाइट्स मिलती रहेंगी डिफरेंट, डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर ठीक है हम क्या मालूम करना चाहते हैं हम एक सर्टेन रीजन का एरिया निकालना चाहते हैं और वो सर्टेन रीजन क्या होगा वो कुछ इस किस्म का होगा मैं इसकी शक्ल से मैच हुआ बना देता हूँ ठीक है ये 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 ठीक है ये हो गया वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और ये हो गया वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स और यहां पर एक्स एक्सिस है ठीक है इसी तरीके से ये क्या है हमारे पास वाई एक्सिस है है ओके ये गया ऊपर यहाँ पे वन है ठीक है तो अब देखें हमारा जो मतलब है वो किस रीजन से है वो सिर्फ इस रीजन से है जिसको मैं शेड कर रहा हूं ठीक है ये जो फंक्शन था मेन फंक्शन वाई स्क्वायर एक्स ठीक है ये z है यानी कि हाइट है देखें इसको आप इसको इमेजिन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये बेसिकली z की वैल्यू है तो देखें हो सकता है इस पॉइंट पे z की वैल्यू यानी कि हाइट जो होगी वो 24 होगी ठीक है इस पॉइंट पे z की वैल्यू क्या हो सकती है 2 हो सकती है इस पॉइंट पे z की वैल्यू 0 हो सकती है इस पॉइंट पे z की वैल्यू uh, 90 हो सकती है सो so, z डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट होगा और अगर हम सिर्फ z की वैल्यूज़ को देखें इन सबको अगर हम मिला लें तो ये क्या बनेगा ये एक सरफेस फॉर्म कर रहा होगा यानी कि ऊपर नीचे करके एक सरफेस होगा जैसे छत हो सकती है ठीक है ना z की वैल्यू क्या होगी z का मतलब क्या है कि हमारी छत होगी छत किस पर डिपेंड कर रही है x और y पर डिपेंड कर रही है तो इसकी जो हाइट है यानी कि जो छत की जो हाइट है z की वैल्यू वो डिफरेंट हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ x एंड y ठीक है और वो एक्स वाई बेसिकली क्या है वो फंक्शन है फंक्शन कौन सा है है ठीक है लेट सपोज अगर हम y की वैल्यू इसमें वन पुट करें x की वैल्यू अगर हम वन पुट करें तो हमारा z क्या हो जाएगा ये भी वन होगा अगर हम y की वैल्यू टू पुट करें और x की वैल्यू वन पुट करें ठीक है तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी ये हो जाएगी एट ठीक है z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एट हो जाएगा इसका मतलब देखें जब y की वैल्यू वन थी x की वैल्यू वन थी तो हमारा जवाब क्या आया था वन आया था जब y की वैल्यू हमारे पास चेंज हो गई ठीक है टू हो गई और x हमने सेम रखा तो z क्या हो गया एट हो गया यानी कि हाइट डिफरेंट हो गई सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट कम्बिनेशन वैल्यूज ऑफ x एंड y यू विल गेट डिफरेंट वैल्यूज ऑफ z ठीक है अब ये तो इनफाइनाइट हो सकता है एक्स की वैल्यू भी इनफाइनाइट होगी वाई की वैल्यू भी इनफाइनाइट होगी तो हमें क्या करना है हमें बाउंड करना है एक लिमिटेड रीजन का जो एरिया होगा ना यानी कि सरफेस एरिया होगा जेड का जो जेड मिल के बना रहे होंगे जेड वाले पॉइंट्स तो उन पॉइंट्स को मिला के ठीक है जो एरिया बनेगा और वो एरिया बाउंड किससे हो रहा होगा वो वाइज इक्व टू एक्स स्क्वायर से और वाईज इक्व टू माइनस एक्स से बाउंड हो रहा होगा ठीक है टॉप और बॉटम पे और लेफ्ट और राइट right पे क्या होगा ज़ीरो और वन ठीक है तो यह काम हमें करना है तो मैंने कोशिश करी समझाने की अब अगर आप मेरे सामने होते तो फिर मैं इसको बेहतर तौर पे समझा सकता चलें खैर या चलें अगर मैं यहाँ पे थोड़ी फिगर बनाने की कोशिश करूं थ्री डी में तो या चलें छोड़ें अब मुश्किल हो जाएगी बहुत आप जैसे इसको विजुअलाइज़ करने की कोशिश करें कि जैसे हमारे पास अगर आप घर की रूफ़ देखें घर की छत जो है आपके कमरे की छत तो ये हमारे पास जेड एक्सेस है ठीक है यानी कि जेड की वैल्यूज़ होंगी इसके ऊपर तो हर जगह जो है फॉर डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ़ एक्स एंड वाई आपको क्या मिल रहा होगा डिफरेंट वैल्यू ऑफ़ जेड मिल रहा होगा यानी कि डिफ़रेंट हाइट मिल सकती है तो अगर हम इस पूरी छत में से कोई एक सर्टेन रीजन अगर हम चूज़ कर लें ठीक है और वो रीजन जो बाउंड हो रहा हो वो किससे बाउंड हो रहा हो वाई इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर से बाउंड हो रहा हो वाई इज इक्व टू माइनस एक्स से बाउंड हो रहा हो ठीक है और एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एक्स इज इक्वल टू वन से बाउंड हो रहा हो तो इसकी चारों तरफ से बाउंड्री अगर आप कोई ले लें तो वो एरिया जो इसमें इंक्लोज हो रहा होगा ना जेड का जेड की वैल्यूज़ का वो हमें कैलकुलेट करना है ठीक है तो तरीका क्या है इसको देखें हमारे पास फंक्शन क्या है वाई स्क्वायर एक्स और डी वाई ठीक है अच्छा जी तो आ, देखें हमें मेन फंक्शन तो पता है ठीक है वाई स्क्वायर एक्स और आगे डी वाई डी एक्स भी मौजूद है ठीक है इसमें सवाल ये है कि आप पहले इसको इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करें कि वाई करें ठीक है लेकिन उससे पहले आप लिमिट्स देख लीजिए लिमिट्स आप क्या अप्लाई करेंगे लिमिट्स आप बाउंड्री वैल्यूज़ यूज़ करते हैं तो पहले यहाँ पे लिमिट लगी हुई हो गया ज़ीरो और वन जीरो और वन से मुराद क्या है ये जीरो हो गया और ये वन हो गया यानी कि लेफ़्ट बाउंड लोअर वैल्यू राइट बाउंड जो है हमारे पास अपर लिमिट आ गई ठीक है इसी तरह टॉप बाउंड हमारे पास क्या हो जाएगा Y X है और जो बॉटम बाउंड है वो क्या है y X है है okay? ओके तो हम ये जो लिमिट जब इसको पुट करेंगे एक्स स्क्वायर को तो हम कहाँ पुट करेंगे वाई की जगह पर पुट करेंगे ठीक है हम क्या करेंगे इसको एक्स को वाई की जगह पे पुट करेंगे एक्स की जगह पे पुट नहीं करेंगे एक्स की जगह पे एक्स को पुट करके फायदा क्या ठीक है तो चूंकि आपने इसको पहले लिखा हुआ है यहां पर जिसकी लिमिट क्या माइनस एक्स है तो इसीलिए हम इसको पहली दफा विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे ठीक है हमें इसको विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेट करना होगा ठीक है तो आप देख लें इसीलिए यहां पर क्या लिखा हुआ है डी वाई पहले लिखा हुआ है और फिर डी एक्स बाद में है तो फंक्शन के साथ हम वो वाला डिफरेंशियल लिखते हैं जिसके रिस्पेक्ट से हमें इंटीग्रेट करना हो तो चूंकि हमारे पास जो इंटीग्रल साइन है उस पर जो वैल्यूज़ हैं वो कौन सी एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर वाली यानी कि एक्स वाली है तो इसका मतलब हमें इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना होगा क्योंकि जब इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे तो हमें वाई में जवाब आएगा फिर उस वाई की जगह पर हम क्या पुट करेंगे एक्स पुट करेंगे ठीक है तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो फिर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा फिर जब एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा तो फिर उसको हम विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स इंटीग्रेट कर देंगे तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू तो वाई तो इसमें एक्स क्या होगा एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट होगा तो आप एक्स को क्या कर सकते हैं बाहर निकाल सकते हैं बाहर निकाल लेंगे तो क्या होगा ये वाई क्यूब एक्स अपॉन थ्री हो जाएगा ओके और इसकी जो लिमिट्स हैं वो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स आप इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं इसको हम अप्लाई करेंगे तो खैर यहाँ पर जो हाँ ठीक है अप्लाई किया हुआ है इधर तो जब इसको अप्लाई करके हमने ये लिखा एक्स सेवन अपॉन थ्री ठीक है क्यों क्योंकि देखें आ, ये वाई क्यूब है ना तो इसमें जब हम वाई की जगह पर एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो चले मैं यहाँ पे कर देता हूँ नीचे ही इसके ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर की पावर क्यूब और फिर आगे एक्स है और फिर नीचे थ्री है ठीक है माइनस ये माइनस एक्स की पावर थ्री और आगे एक्स डिवाइडेड बाय थ्री ठीक है हमने लिमिट अप्लाई कर दी तो ये थ्री थ्री हजार सिक्स हो जाएगा तो ये एक्स की पावर सेवन अपॉन थ्री ठीक है और फिर ये माइनस एक्स क्यूब ठीक है माइनस एक्स क्यूब और वन तो ये एक्स की पावर फोर हो जाएगी ठीक है और डिवाइड बाय थ्री तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे यानी कि एक्स की पावर सेवन अपॉन थ्री और प्लस एक्स फोर अपॉन थ्री तो आप देखें यहाँ पे यही लिखा हो एक्स की पावर सेवन अपॉन थ्री प्लस एक्स फोर अपॉन थ्री ओके देन फिर आ, हम जो है इसको क्या करेंगे इंटीग्रेट करेंगे ठीक है अब देखें ये भी एक्स में आ गया एक्स में आ गया और जो डिफरेंशियल है वो भी एक्स की फॉर्म में है सही तो अब सिंपल हम इसको विद रिस्पेक्ट टू तो डी एक्स यानी कि एक्स से इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो, तो इंटीग्रेट आप कर सकते हो इसको जवाब हमारे पास थर्टीन अपॉन वन ट्वेंटी आ जाएगा ओके okay. अच्छा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास Uh, हमें डबल इंटीग्रेट करना है जो फंक्शन गिवन है हमें वो एक्स साइन वाई गिवन है ठीक है लिमिट्स हमें गिवन है कॉस वाई और जीरो और पाई बाई थ्री और जीरो ये जो है विद रिस्पेक्ट टू दिस स्पीकर है ओके तो यहाँ देख लें आप जो पहले हमें आ, क्या कहते हैं जो राइट right बाउंड है यहाँ पर ठीक है वो क्या एक्स इज इक्वल्स टू कॉस लेफ्ट बाउंड है एक्स इज इक्वल्स टू थ्री सॉरी ये एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री नहीं है लेफ्ट बाउंड हमारे पास एक्स इज इक्वल्स टू जीरो है ठीक है यहाँ पर जो है ये लाइन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो की है ठीक है तो इसीलिए यहाँ पे कॉस वाई जो है हमारे पास राइट right बाउंड हो गया और जो लेफ्ट बाउंड हो गया वो एक्स इज टू जीरो हो गया ये पाई बाय थ्री जो है ये टॉप बाउंड है ठीक है और जो बॉटम बाउंड है वो ठीक है ये क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू By by और ये वाई इज इक्वल टू जीरो हमारे पास टॉप बाउंड और बॉटम बाउंड आ गया लिमिट ठीक है फंक्शन हमारे पास मौजूद है अब देखें यहाँ पे हमारे पास कॉस वाई है इसका मतलब हमें इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरें इंटीग्रेट करना होगा जब इसको हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे तो फिर हम उसमें वाई की वैल्यू पुट कर देंगे ठीक है और फिर उसको सेकेंड टाइम फिर हम विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे ठीक है तो यहाँ पे यही काम किया हुआ है पहले इसको विद रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट किया है जब उसका जवाब आ जाएगा हमारे पास तो उसको फिर हम y करेंगे तो खैर अब ये आपको आना चाहिए अब कोई मसला नहीं है इसमें सिर्फ इंटीग्रेट ही करना है अच्छा जी इवेल्यूएट द डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन दिस आर रिप्रेजेंट्स द रीजन ठीक है और ये आर जो रीजन है बेसिकली ये रिप्रेजेंट करता है किसको लिमिट्स को कि यहाँ पर एक्स और वाई एक्सिस के जो हैं वो लिमिट्स आएंगी यानी कि बाउंड्रीज आएंगी ठीक है एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है सो so, आपको जो है एरिया कैलकुलेट करना है फंक्शन हमें एक्स और वाई की है और आगे डी ए है ठीक है दिस इज एरिया और ये डिफ्रेंशियल एरिया है ठीक ठीक है 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 जी ये आपको boundaries है. और जो function है, वो क्या है? X, y है. है? तो हमें इसको इवेल्युएट करना है इसका यहाँ पे ग्राफ बना हुआ है आप देख सकते हैं कि जो फंक्शन uh, है हमारे पास वो क्या है नॉर्मल वो एक्स वाई है यहाँ पर बीच में एक्स वाई होगा आपको पता है जेड इज इक्वल्स टू एक्स वाई होगा ठीक है ना जिस तरह वाई इज इक्वल्स टू या आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ये जेड इज ईक्ल्स टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई है और एफ़ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज इक्वल्स टू एक्स वाई हो गया ठीक है खैर तो हमें इसका टॉप बाउंड जो गिवन है वो वाई इज इक्व टू रूट एक्स के है बॉटम बाउंड जो गिवन है हमें इसका वो वाई इज इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स केवन है ठीक है इसी तरह लेफ्ट और राइट right बाउंड हमें एक्स इज इक्वल टू टू और एक्स इज इक्वल टू फोर के है तो ये जो छोटा सा आप एरिया देख रहे हैं बीच में ब्लू कलर का दिस इज द एरिया फॉर विच वी हैव टू कैलकुलेट द एरिया और हमें इसको इवेल्यूएट करना है सो इट्स वेरी सिंपल बहुत आसान है आ, हमें यहाँ पे क्या कुछ पता है हमें यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू पता है एक्स वाई ठीक है ये गिवन था हमें एक्स वाई फंक्शन अब हम क्या करेंगे लिमिट्स अप्लाई कर देंगे अपने फंक्शन के हिसाब से तो देखें टॉप और बॉटम जो लिमिट है हमारे पास ठीक है टॉप लिमिट रूट एक्स है बॉटम लिमिट एक्स अपॉन रूट टू आ जाएगा ठीक है इसी तरह लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास जो होगी और राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट हमारे पास क्या हो जाएगा टू हो जाएगा राइट हैंड लिमिट हमारे पास हो जाएगा यानी कि राइट right पाउंड और लेफ्ट पाउंड ठीक है जो वैल्यूज हैं वो आप पुट कर दें और ये फंक्शन है अब क्या करेंगे हम सिंपली हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखें ये पहले एक्स है ना तो इसका मतलब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करेंगे तो इसलिए देखें पे पहले विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट होगा इसलिए हम पहले dy लिखा हुआ है तो आप डी वाई लिखेंगे इसको खुद से ठीक है तो इसको फर्स्ट टाइम विद रिस्पेक्ट टू वाइड इंटीग्रेट किया इंटीग्रेट in करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा ये आ जाएगा ठीक है अब इसको with respect to x integrate करेंगे तो हमें जवाब क्या मिल जाएगा इलेवन अपॉन एट मिल जाएगा ठीक है जी देखें हमने इससे पहले क्या किया था हमने इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था हमने उसमें अपर जो बाउंड था यानी कि टॉप बाउंड से माइनस किया था बॉटम बाउंड को ठीक है और फिर हमने लेफ्ट और राइट right लिमिट अप्लाई करके उसको इंटीग्रेट कर दिया था ठीक है वो एक टेक्निक थी अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं हमें अगर फंक्शन गिवेन है डायरेक्ट तो हम फंक्शन में सिंपल फंक्शन को हम इंटीग्रेट करेंगे और जो बाउंड्री वैल्यूज़ हैं टॉप और बॉटम ठीक है यानी कि वाई वाली और एक्स वाली वो हम वैल्यूज पुट कर देंगे ठीक है ये टॉप और बॉटम से मुराद क्या है ये वाई की लिमिट हो जाएगी और यहाँ पे ये यह एक्स की लिमिट हो जाएंगी ठीक है और ये हमारे पास फंक्शन है इनके इस फंक्शन को हम बाउंड कर रहे हैं विद द वैल्यूज़ ऑफ वाई यानी कि टॉप और बॉटम और लेफ्ट और राइट यानी कि एक्स ठीक है ये वाई वाली हो गई और ये एक्स वाली हो गई और फंक्शन हमारा इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें सिर्फ इस फंक्शन का इतने से रीजन का जो है ना जो जो इस इन कर्व से बाउंड हुआ हुआ है हमें इसका एरिया कैलकुलेट करना है तो हमें पूरे फंक्शन का तो जो क्या कहते हैं एक्सप्रेशन है वो गिवन है एक्स वाई हमने सिर्फ इसको बाउंड कर दिया विद आवर लिमिट्स और उसको इंटीग्रेट कर दिया इंटीग्रेट करेंगे तो हमें इसका एरिया मिल जाएगा ठीक है जी अच्छा जी एग्ज़ाम्पल नंबर फोर है इसका एवेल्युएट द एरिया ऑफ द रीजन ठीक है और इसमें जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर ठीक है ये एरिया है एक्चुअली और इसको बाउंड किससे किया हुआ है आर इज़ इनक्लोज बिटवीन द लाइन्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वन वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड वाई इज इक्वल्स टू थ्री ठीक है तो ये हमें इसके बाउंड्रीज की वहन है तो अगर आप गौर करें यहाँ पर तो फंक्शन तो हमें एक की वहन है यानी कि जेड इज़ इक्वल्स टू टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर ओके ये तो हमें पता ही है हमें क्या चाहिए हमें वाई की वैल्यूज़ चाहिए यानी कि टॉप बाउंड और बॉटम बाउंड ठीक है और हमें लेफ़्ट बाउंड और राइट बाउंड एक्स की वैल्यूज़ चाहिए ताकि हम इसकी लिमिट्स पुट कर सकें और ये बाउंड जो हैं ये इन द फॉर्म ऑफ कॉन्स्टेंट भी हो सकता है या इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन भी हो सकता है ठीक है एक्सप्रेशन की फॉर्म में भी हो सकता है तो यहां जो है आप इक्वेशन देख रहे हैं हमारे पास जो एक y इक्वल टू थ्री हो गई तो ये y इक्व टू थ्री हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई ये वाली ठीक है तो एक तरह से टॉप बाउंड हो गया अब लेफ्ट और राइट ठीक है दिस इज आवर वन इक्वेशन जो कि बेसिकली क्या है वाईज इक्वल टू एक्स प्लस वन है ठीक है यानी कि राइट बाउंड हो गया और ये हमारे पास क्या है लेफ्ट बाउंड है जो कि एक तरीके से वाइज इक्वल्स टू माइनस एक्स प्लस वन है ठीक है तो इसको जो है हम क्या कर सकते हैं आप देखें अच्छा बॉटम बाउंड जो है हमारे पास वो क्या है वाइज इक्वल्स टू वन है ठीक है यानी कि इसी रीजन के दरम्यान में ये कर्व पूरा जो रीजन है वो एक्सिस्ट करता है इसी लाइन के तो जो टॉप बाउंड हो गया हमारे पास वो वाईजिक्वल टू तो थ्री हो गया बॉटम बाउंड वाई जिक्वल टू वन हो गया राइट बाउंड हो गया हमारे पास वाई जिक्वल्स टू तो एक्स प्लस वन लेकिन इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे एक्स की फॉर्म में लिखेंगे ठीक है इसी तरह जो लेफ़्ट बाउंड है इसको भी हम एक्स की फॉर्म में लिखेंगे यानी कि एक्स की इक्वेशन की फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि हमें इसको लिमिट के तौर पर लगाना होगा ठीक है तो टॉप और बॉटम हम वाई की फॉर्म में लिखते हैं राइट और लेफ्ट हम क्या करते हैं एक्स की फॉर्म में लिखते हैं ठीक है इस वाली फॉर्म में ये जो लिखी हुई है तो ये एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वन माइनस वाई हो जाएगा ठीक है इसी तरीके से इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे फॉर द इक्वेशन ऑफ एक्स तो ये क्या बन जाएगा वाई माइनस वन बन जाएगा ठीक है तो ये बात याद रखिएगा कि जो टॉप बाउंड जो इक्वेशन होती है वो वाई की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल्स टू एफ एक्स होता है ठीक है बॉटम बाउंड भी वाईस टू एफ एक्स होता है और जो लेफ्ट और राइट होता है वो एक्स इज इक्वल टू होता है एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई ठीक है जी ये बात जहन में रखिएगा ओके okay, तो अब तो मेरे ख्याल से मसला कुछ है ही नहीं वेरी ईजी नाउ तो आपको पता है कि हमारे पास जो लिमिट्स हैं वो क्या है y माइनस वन और वन माइनस वाई ठीक है ये देखेंगे वाई माइनस वन राइट right बाउंड तो ये राइट right बाउंड आ गया फिर नीचे लोअर लिमिट क्या होगी लेफ्ट बाउंड होगी तो ये वन माइनस वाई ये आ गया ठीक है इसी तरह टॉप बाउंड क्या है हमारे पास थ्री है वाई जिक्वस टू थ्री बॉटम बाउंड क्या है वाई जिक्वस टू वन है ठीक है इक्वेशन क्या है हमारे पास टू एक्स माइनस वाई स्क्वायर वो हमने यहाँ पे लिख दी फिर जो आगे डी ए है डी ए का मतलब क्या हो मतलब होता है डिफरेंशियल एरिया इसका मतलब डी एक्स मल्टीप्लाई बाय डी वाई होता है ठीक है तो इसलिए देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है डी एक्स इंटू डी वाई सॉरी ये मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया नहीं आपको यहाँ पे डी ए लिखा हुआ था इसका मतलब क्या होगा डी एक्स इंटू डी वाई होगा ठीक है एरिया डिफरेंशियल एरिया का मतलब डी एक्स देखें आपको पता है कि एरिया क्या होता है एरिया इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई होगा रेक्टेंगल के लिए किसी भी वैल्यू के लिए ठीक है ना तो डी ए क्या हो जाएगा डी एक्स और डी वाई के बराबर हो जाएगा उसी सेंस में जो है यहां पर ये यह लिखा हुआ है ओके okay. तो अब हम कैसे इसको इंटीग्रेट करेंगे जाहिर सी बात है यहाँ पे पहले y लिखा हुआ है तो हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करेंगे फर्स्ट और फिर उसमें y की वैल्यू पुट कर देंगे तो इसीलिए यहाँ पर जो है पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट किया हुआ है इसको हम विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट जब करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आ जाएगा जनाब ये वाला ठीक है दिस विल बी आवर

नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वॉल्यूम बाय स्लाइसिंग तो आई थिंक हम इसको बस आज यहीं तक ही एंड करते हैं ठीक है बाकी फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम देखेंगे